हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में बीपीएससी के थ्रू जो तहसीलदार का पेपर हुआ है 12 अक्टूबर 2024 को, उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। पेपर की बात करें तो इसमें मोस्टली क्वेश्चंस अराउंड 75% प्लस एमसीक्यू testpoint.pk के वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो ये एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। अगर मॉडर्न वर्ड ना हो, यू हो कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फिर चार्ल्स बैबेज करेक्ट आंसर है, लेकिन यहाँ वर्ड मॉडर्न यूज हुआ है तो एलन ट्यूरिंग इसका करेक्ट आंसर है। और ये इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो 1954 में इंतकाल कर गए, तो इन्हें जो है मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। शॉर्टकट की ऑफ अंडू टाइपिंग, अंडू के लिए जो है हम कंट्रोल जेड का यूज करते हैं, इसी तरह कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल वाई रीडू के लिए, कंट्रोल एस सेव के लिए, और जो है कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल वाई रीडू रीडू के लिए यूज किया जाता है। हु इज बोरिस जॉनसन ग्रेट ग्रैंड फादर। बोरिस जॉनसन जो कि बरतानिया के वजीर आजम रह चुके हैं, इनके ग्रेट ग्रैंड फादर का नाम एली केमेल था। अली केमेल इसका करेक्ट आंसर है, ये अली केमेल की पिक्चर है और ये जो है बोरिस जॉनसन है। बोरिस जॉनसन जो है ये यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2019 से लेकर 2022 तक, 2022 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियो हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। विच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एलएनजी। एलएनजी जो है इसका सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। एलएनजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नेम द सिस्टर ऑफ हजरत उमर हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम फर्स्ट। पहली मर्तबा जो हजरत उमर से पहले जो उनकी बहन ने इस्लाम कबूल किया था, उनका नाम फातिमा बिनते खिताब था, सैयदा फातिमा बिनते खिताब, और इनके बाद जो है हजरत उमर ने खुद इस्लाम कबूल किया था। The study of stars is known as astrology. Study of stars जो है इसको astrology कहा जाता है। Who was the first president of USA? US के अमेरिका के first president जो थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, और 45वें president डोनाल्ड ट्रंप थे, 46वें president जो है वो जो बाइडन है। How many kalmas are there? कलमे की कितनी इकसाम है? तो total 6 कलमे हैं। पहला कलमा तैयब है, दूसरा शहादत, तीसरा जो है वो तमजद, चौथा तोहीद, पांचवा इस्तग़फार, छठा जो है वो रद्दे कुफर है। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वन नोट? माइक्रोसॉफ्ट वन नोट जो है ये एक माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है। नेम द लॉन्गेस्ट मसनवी ऑफ मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब की जो सबसे बड़ी मसनवी है उसको चिराग़े देर कहते हैं, चिराग़े देर इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन एनफोर्स्ड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में अब तक एक जो है इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना जो है वो इन्फोर्स किया गया था 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो की जानिब से, और उसके बाद जो है थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का आया था 1973 में। यूएन हैज हाउ मेनी चार्टर ऑफ आर्टिकल्स? यूएन के जो चार्टर ऑफ आर्टिकल्स हैं उनकी ज्यादा 111 है, 19 चैप्टर्स हैं, 111 आर्टिकल्स है। कैश मेमोरी जो है ये सीपीयू में लोकेटेड है, सीपीयू इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, इनका नाम एंटनी ब्लिंकन है, और ये जनवरी 2021 में बने थे जब जो बाइडेन की हुकूमत आई थी। अल रिसाला ये एक किताब है और इसको लिखने वाले राइटर का नाम इमाम शाफी है, इमाम शाफी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड मीटिंग जो हुआ था खिलाफत मूवमेंट का, ये कब हुआ था? ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, और इसके साथ साथ ये दिसंबर 1919 में सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ था खिलाफत मूवमेंट का। खिलाफत मूवमेंट को जो है वो 1919 में खिलाफत उस्मानिया को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक तहरीक शुरू किया गया था, जो कि 1924 में एबोलिश हुआ था। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरक से तुलू होता है, सो इन द ईस्ट, फ्रॉम द ईस्ट नहीं होगा, इन द ईस्ट इसका करेक्ट आंसर है। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स आर, रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो टाइप है वो 5 है, जिनमें कमिश्नर, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द सेकंड ग्रेड, और तहसीलदार शामिल है। सो 5 इसका करेक्ट आंसर है। दिल रखना इसका क्या मतलब है? दिल रखना मतलब होता है किसी को दिलासा देना, और इसके साथ साथ testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो भी आप testpoint.pk वेबसाइट से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वेबसाइट को जरूर विजिट करें। दुआ में याद रखिए अल्लाह।